पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में फरार इनामी अपराधी को उत्तर प्रदेश से धर दबोचा। अभियुक्त पर पुलिस ने 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए आईडी में अपने पिता का नाम बदलकर अन्य जनपद में रह रहा था। बता दें कि कुख्यात इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान आमिर खान पुत्र नूर खान निवासी चिरचिटा थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने के मामले में संलिप्त था और जिस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें कि सर्विलांस टीम की मदद से मिली थी जानकारी। जानकारी के आधार पर ग्राम जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर पर उसे गिरफ्तार किया गया। मुंशारी के तल्लाबगड़, दाकिम, कोटा व अन्य क्षेत्रों में बता दें कि बांसबगड़ के एरिया में सड़क तो बनी है परंतु सड़क वाहन चलने लायक नहीं है। क्षेत्रीय लोगों ने फोटो वायरल की है और उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए हैं कि उक्त क्षेत्र को ना भाजपा देखती है ना कांग्रेस देखती है। स्थानीय नागरिक ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है, यानी कि बड़े भाई और छोटे भाई का कहीं न कहीं रूप देखने को कांग्रेस और भाजपा में मिलता है। सड़क जैसी थी उसी स्थिति में है। वाहन चलाना बहुत दूभर है। जहां तक वाहन आ सकते हैं चलते हैं, उससे आगे वाहनों की भी सांसें टूट जाती हैं। पैदल पैदल ही आवागमन करना पड़ता है। विवेकानंद विद्या मंदिर मुंशारी पब्लिक स्कूल तक पहुंचने वाले मुख्य गेट के सामने सड़क मार्ग पर बोतलों और अति दुर्गंधित कूड़े का अंबार लगातार देखने को मिल रहा है। मुंशारी के नौनियालों को कैसी प्रेरणा मिलेगी और कैसे स्वास्थ्य मिलेगा, ये कहीं न कहीं नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस कूड़े को हटवाएं। परंतु स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि बड़ा दुर्भाग्य है, और क्या हो सकता है कि स्कूल के आगे हमारे स्वच्छ और सुंदर मुंशारी की तस्वीर दिखाई दे रही है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसके बारे में कहीं न कहीं उन्होंने व्यापार संघ से भी संज्ञान लेने की बात की है। वो साथ ही उन्होंने कहा है कि मुंशारी विवेकानंद विद्या मंदिर के आगे से उक्त कूड़े को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा स्थानीय नागरिक जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, उप जिलाधिकारी, ब्लॉक, नगरपालिका इत्यादि की रहेगी। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मतकोट को राज्य स्तरीय आदर्श पुस्तकालय समारोह देहरादून में पुरस्कार मिला। बता देंगे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मतकोट की ओर से श्री जगत सिंह रौतेला, सहायक शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान और शिक्षा निदेशक वंदना गरब्याल मैडम के हाथों से विद्यालय की उपलब्धि पर प्रस्तुति पत्र मिला और उन्होंने विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में कड़ी मेहनत की है। धारचूला में बड़ी मुश्किल से यातायात की सुविधा फिर से बहाल हो गई है। फिर से सेंटर पार्किंग विजेंद्र शाह थाना प्रभारी धारचूला के द्वारा लगा दी गई है। थाना प्रभारी के द्वारा सेंटर पार्किंग लगाने से धारचूला कहीं न कहीं खुला खुला घुटी घुटी सांसों से मुक्त हुआ है। धारचूला में सांस लेकर अब आदमी चल सकता है। आवागमन पैदल यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक हो चुका है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था पशु चिकित्सा अधिकारी के बगल में कर दी गई है। टैक्सी वहां पार्क हो रही हैं और नदी किनारे भी पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक धारचूला ने बताया है कि हम लगातार प्रयासरत हैं कि धारचूला की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाकर रखें, और उन्होंने प्रयास को कहीं न कहीं साबित करने का भी अंदेशा दिखा दिया है और प्रयास फलस्वरूप साबित भी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस उतरी सड़कों पर मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्रयास। बता दें कि उत्तराखंड की महिला कांग्रेस के लोगों ने आज सरकार की चूल्हे हिलाने का कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये सरकार में बलात्कारी लोग बैठे हैं। सरकार में कई लोगों पर आरोप लग चुके हैं, लेकिन सरकार मौन व्रत धारण कर चुकी है। अंकिता के कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल जिंदा है, इत्यादि की बोर्ड लेके आज धारचूला से भी
नेत्रियां पहुंची थी, पूरे उत्तराखंड से कांग्रेस की नेत्रियां पहुंची थी। पूरा धमाल आज देहरादून में कांग्रेस नेत्रियों का देखने को मिला। कहीं ना कहीं सरकार की चूल्हे हिलाने का काम महिला कांग्रेस लगातार कर रही है। चिकित्सकों के पक्ष में उतरे पंचायत सदस्य, डीजीपी को भेजा पत्र, कहा सीमांत के रोगियों को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने जिला अस्पताल में चिकित्सकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न की घटनाओं को तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो पंचायत प्रतिनिधियों को भी सड़कों में उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर तत्काल अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी खोलने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव दिए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन और सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।